Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing redox reactions and this is video lecture number 8. I hope you have already watched part 1 to part 7 before watching part 8. In this lecture, we will discuss about half reaction method. So, today we will talk about half reaction method and how to balance the chemical equation. If there is a redox equation, then how to balance the half reaction method. तो सबसे पहले समझते हैं कि हाफ रिएक्शन मेथड क्या है. हाफ रिएक्शन मेथड जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक पूरी केमिकल इक्वेशंस को दो हाफ इक्वेशन में स्प्लिट कर देते हैं. एक होता है जिसमें कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं रिडक्शन हाफ. तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में ब्रेक कर देते हैं. उसके बाद जो है उन दोनों को अलग अलग तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. कैसे बैलेंस करेंगे तो इसके लिए थ्योरी ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों को अलग अलग लिखते हैं और एटम को बैलेंस करते हैं. जैसे ऑक्सीडेशन हाफ में एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, अगर वो बराबर नहीं है तो एक सुटेबल कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करके एटम को पहले बराबर करते हैं. एटम को बराबर करने के बाद हम ऑक्सीजन के एलिमेंट को बराबर करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बराबर करते हैं और हाइड्रोजन को इक्वेट करते हैं और फिर फाइनली हम चार्ज को इक्वेट करते हैं. यानी इसमें ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया. पहले एटम, फिर एटम के बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और फिर चार्ज. यानी आप ए ओ एच सी आओ हजूर चले ये कर सकते हैं आप याद रखने के लिए, और ये ऑर्डर होनी चाहिए. आइए पहले देखते हैं कि हाफ रिएक्शन मेथड क्या है. हाफ रिएक्शन मेथड, रिएक्शन मेथड, ठीक है. इन दिस मेथड द कंप्लीट equation is to be break is break into two half equation half equations. One of them is called reduction half. Reduction half and other is called oxidation half. ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं. तो इसके द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन केयर ऑफ, द फॉलोइंग steps to be followed for balancing the equation. What are this process? So first one is step one, write the equation in ionic form. ठीक है, पहला स्टेप ये है कि write the equation in ionic form. दूसरा स्टेप ये है split the equation in two half equation. ठीक है, two half equation and write them separately as oxidation half equation and a reduction half equation. ठीक है, उसके बाद स्टेप थ्री क्या है?
बैलेंस द एटम्स इन बोथ हाफ इक्वेशंस व्हिच अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस रिडक्शन जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उनको पहले बैलेंस करते हैं. टू बैलेंस देम मल्टीप्लाई बाई सुटेबल कोफिशियंट्स ठीक है. तो एटम का बात हो गया. उसके बाद चौथे स्टेप में क्या करते हैं, ये स्टेप फोर है. चौथे स्टेप में स्टेप फोर एड वाटर H2O टू बैलेंस बैलेंस ऑक्सीजन एटम इन बोथ हाफ इक्वेशंस ठीक है. देन स्टेप फाइव एड H प्लस आयन टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम ठीक है ना. H प्लस आयन टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम एंड स्टेप सिक्स इज एड इलेक्ट्रॉन्स सुटेबली टू बैलेंस चार्जेज इन बोथ हाफ इक्वेशंस इफ रिक्वायर्ड यानी अगर रिक्वायर्ड हो तो इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देते हैं दोनों हाफ इक्वेशन में. एंड फाइनली स्टेप सेवन व्हाट टू डू टू इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इक्वेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ इक्वेशंस मल्टीप्लाई बाई कॉन्स्टेंट नंबर सुटेबली एंड देन एड इट एंड एड इट यानी दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे. एड बोथ द इक्वेशन एंड देन इक्वेशन इज बैलेंस एड बोथ द इक्वेशन इक्वेशन सो दैट इलेक्ट्रॉन्स एडेड आर कैंसिल्स आउट कैंसिल 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 राइट ना कैंसिल. तो देन इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड ठीक है. ये होता है. तो ये सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा और हम इसमें जो प्रायोरिटी देंगे वो होंगे पहले स्प्लिट करो फिर एटम को बैलेंस करो फिर
फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर चार्ज को बैलेंस करो, ये है। तो स्प्लिट आओ हजूर चले, ऐसा कुछ भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड चार्ज, एटम हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड चार्ज, इन चारों को हमें ध्यान रखना है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन एक, ये लिखा है कि एक रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसमें फेरिक आयन जो है वो फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन इन विच Fe2+ इज कन्वर्टेड इनटू Fe3+ एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम 3। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था तो उसी को करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशंस आपको या तो लैंग्वेज में लिखा होगा तो उसको आपको इक्वेशंस को लिखना है। हम यहाँ इक्वेशन ही लिख देते हैं और उसी को कहते हैं कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है, इसको आयोनिक फॉर्म में लैंग्वेज में अगर लिखा होगा तो आपको आयोनिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और यहाँ हम इक्वेशन ले ही लेते हैं जो कि आयोनिक फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। Fe2+ Cr2O7, राइट, 2- Fe3+ Cr3+, ये Cr3+, राइट। ये हमें इक्वेशन मान, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें पहले देखना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये स्केलेटन इक्वेशन है। अब देखिए कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ -2 से क्रोमियम का इसमें कितना होगा, पहले हम देखें कि इसका क्या होगा। ये क्रोमियम का ये होगा +6, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इसका लिखें तो ये हो गया -2 × 7 -14, और -2 + 14 = 12, Cr2 12, तो RCr की वैल्यू हो गई +6, तो +6 से +3, तो इसका जो हो ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्रोमियम का वो हो रहा है डिक्रीज, तो ये हो रहा है डिक्रीज। तो डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहला जो हमारा काम है वो इसको कि इक्वेशन को दो हाफ में ब्रेक करें, तो एक हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ हमने ये ब्रेक कर लिया, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन हो गया हमारा Fe2+ से क्या हो रहा है Fe3+, और रिडक्शन हाफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ जो हुआ वो हो गया, रिडक्शन हाफ जो हुआ वो Cr2O7 टू माइनस, ये +6 है, और इधर क्या हो रहा है Cr3-3+। अब इसमें हम चाहे तो ये नहीं भी लिख सकते हैं क्रोमियम का, क्योंकि क्रोमियम के अलावा ऑक्सीजन इधर नहीं भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन लिखना चाहिए, ठीक है। Cr2 इसका रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हाफ हो गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, दो हाफ इक्वेशन में हमने इसको ब्रेक। तो दूसरा रूल हमने सीखा था कि दूसरा रूल क्या है, ये रूल में हमने लिखवाया कि पहला जो है रूल है कि राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, वो पहले से लिखा हुआ था, उसमें आपने कुछ करना नहीं था। स्प्लिट द इक्वेशन इन टू हाफ इक्वेशन राइट सेपरेटली, वो हमने कर दिया। अब तीसरा रूल क्या है कि बैलेंस द एटम बोथ हाफ इक्वेशन विच गोज अंडर undergoes in oxidation and reduction, balance them by multiply a suitable coefficient. इसका मतलब ये हुआ कि जिनका oxidation या reduction हो रहा है उनको balance करना है। तो इसमें oxidation किसका हो रहा है, iron का, iron दोनों तरफ यहाँ कितने कितने हैं, एक एक है, तो they are already balanced, ये जो है ये already balanced है, balanced है। और यहाँ पे क्रोमियम जो है वो एक है, यहाँ क्रोमियम 2 है, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बैलेंस। सिर्फ उन्हीं को बैलेंस करना है एटम को जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है।
तो हमने क्रोमियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्रोमियम एटम को बैलेंस कर दिया। तो जो हमारा 4 पॉइंट था कि एटम को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर चार्ज को, तो हमने एटम को बैलेंस करने का काम यहाँ पे कर दिया, एटम को बैलेंस कर दिया। अब क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, वाटर मोलिक्यूल को ऐड करना है, ठीक है। तो अब अगला स्टेप पे चलते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है, और कितने वाटर मॉलिक्यूल करेंगे, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बताइए, इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं कहीं पे भी, तो ऑक्सीडेशन हाफ में तो कुछ करना नहीं है, रिडक्शन हाफ में हमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना होगा। तो 7 ऑक्सीजन है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, इधर इधर हम ऐड कर देंगे कितने, 7 वाटर मॉलिक्यूल, 7H2O, ताकि 7 ऑक्सीजन इधर आ जाए, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल को इधर ऐड कर दिया। तो अब क्या करते हैं हम कि ये इक्वेशन को फिर से लिखते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हाफ जो है हमारा वो है, लिख देता हूँ दोबारा, ऑक्सीडेशन हाफ है Fe2+ से Fe3+, ठीक है, 3+, और जो रिडक्शन हाफ है हमारा वो हो गया, वो क्या हो गया, Cr2O7, ठीक है, 2 माइनस ये हो गया 2Cr+ 7H2O, ये हो गया हमारा 2Cr3+ 7H2O, ये हमारा हो गया ये। अब इसमें हमने 7 ऑक्सीजन जोड़ दिया, अब हाइड्रोजन को, चूंकि हमने ए हो गया एटम, ओ हो गया ऑक्सीजन, अब क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए चूंकि सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में है तो H+ आयन जोड़ेंगे, तो 7 × 14 हाइड्रोजन है, इसलिए इधर हमें क्या जोड़ना चाहिए, इधर हमें 14 हाइड्रोजन H+ आयन जोड़ना चाहिए, 14H+ आयन इधर हमें प्लस करना चाहिए, तो हमने 14H+ आयन इधर प्लस कर दिया, ताकि 14 हाइड्रोजन इधर हो गया, 14 हाइड्रोजन इधर हो गया, तो एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब क्या बैलेंस करना है, चार्ज, तो चार्ज में ऑक्सीडेशन हाफ में देखिए चार्ज कितना है, सो नाउ टू बैलेंस चार्ज ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा बताइए, ऑक्सीडेशन हाफ में इधर में है 2+ और इधर में है Fe3+, यानी इधर 3+ है और इधर +2 चार्ज है, यानी इधर अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, तो 3 - 1 2+ चार्ज रह जाएगा, 2+ चार्ज इधर रह जाएगा, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा, हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। रिडक्शन हाफ में क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ के चार्ज जब देखिए, रिडक्शन हाफ इसका चार्ज क्या होगा, तो इसमें आप देखें कि Cr2O7 2 - +14H+ ये है, और इधर में है 2Cr3+ 7H2, है ना। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 14+ पॉजिटिव चार्ज है और 2 निगेटिव चार्ज है, तो 12 पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर में 3 पॉजिटिव चार्ज है क्रोमियम पे, तो 2 क्रोमियम पे +6 3 × 2, आप ऐसे कर लीजिए, देखिए कैलकुलेशन अलजेब्रिक कैलकुलेशन के हिसाब से कर देते हैं, यहाँ पे चार्ज है इधर में -2 + 14 यानी 12+ चार्ज, यहाँ पे 2 × 3+ हम बस यही है, तो यहाँ पे है 6 चार्ज, टोटल है 6 चार्ज +6, और इधर में है +12 + 6 + 12, तो आपको इधर भी अब इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन ही जोड़ना है, तो इधर अगर से 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब है कि इधर 6 इलेक्ट्रॉन अगर हम प्लस कर दें तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज -6 इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस हो जाएगा तो इधर भी 6+ रह जाएगा, इधर भी 6+ रह जाएगा, तो इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन इधर प्लस करना पड़ेगा। अब हमने आखिरी स्टेप में फिर क्या लिखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके सुटेबली हमने चार्ज को बैलेंस कर लेना है, ठीक है, इफ नीडेड टू इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ द साइड्स। अब अगला काम करना है
अब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन सुटेबली टू बैलेंस द चार्जेज। और फिर अब इक्वेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ इक्वेशन बाय मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट नंबर। तो पहले हाफ इक्वेशन में यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे हाफ इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को बैलेंस करना है, इसका मतलब है कि पहले वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो टू बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन हाफ बाय 6, ऑक्सीडेशन हाफ बाय 6, तो क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरह का, 6, ध्यान से देखिए, 6 एफी 2 प्लस, ठीक है, गोज टू 6 एफी 3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हाफ में हुआ Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, फाइनली हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर में राइट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर में लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और बच जाएगा आपका ये इक्वेशन आ जाएगा फाइनली 6Fe2 प्लस, ठीक है, प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस गिव्स 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O, और दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। आप देख लीजिए ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है, यहाँ 6 आयरन है, इधर भी 6 आयरन है, क्रोमियम इधर 2 है, इधर क्रोमियम 2 है, हाइड्रोजन इधर 14 है, इधर हाइड्रोजन 14 है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 7, इधर भी ऑक्सीजन है 7, ऑक्सीडेशन नंबर भी सबका सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो वो भी सेम आएगा, और जो चार्जेज हैं वो भी सेम आएंगे, तो सब कुछ सेम हो गया, एटम्स जो है वो सेम है, सारी चीजें बैलेंस हो गई, एटम भी बैलेंस हो गया, और क्या बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। आओ हुजूर चलें, तो चलें, क्या कहाँ चलें, अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एक और एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है, तो एक और एग्जांपल करके देखते हैं और फिर उससे पता चलेगा कि हमने कितना सीखा और कितना सही सीखा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पर मैग्नेट 7 आयन MnO4 minus oxidizes with iodine ion I minus in basic solution to give molecule of iodine and manganese dioxide, ठीक है, write the equation, balance equation for the, write balance equation, equation, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन शुरुआत कर सकते हैं कि MnO4 माइनस प्लस आयोडीन माइनस गिव्स व्हाट, MnO2 प्लस I2 आयोडीन मॉलिक्यूल ये दे रहा है। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, जैसा कि हमने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा
है ना। तो सबसे पहले इनका हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो यहाँ पे है 4 2 -8 +7, है ना, ये लिखा ही हुआ है कि 7 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे 2 2 -4 -4, तो ये हो गया +4, यानी +7 से +4 हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हाफ जो होगा, रिडक्शन हाफ इक्वेशन जो होगा वो होगा MnO4, ठीक है, माइनस क्या हो रहा है MnO2, ये हो रहा है रिडक्शन, ये रिडक्शन हाफ हुआ। ऑक्सीडेशन हाफ क्या हुआ, यहाँ पे इसका आयोडीन का क्या है, यहाँ पे -1, और यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, फ्री मॉलिक्यूल है, और इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो -1 से 0 हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हाफ जो हुआ वो क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन हाफ में I- undergoes to I2, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया कि ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। अब हमें क्या करना है, एटम्स को बैलेंस करना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मैग्नीज का, और मैग्नीज इधर में भी कितना है, इधर में मैग्नीज है 1 और इधर में मैग्नीज है 1, तो यहाँ पे भी मैग्नीज 1 और 1 है, इसलिए इसका बैलेंस है, दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है ये, इसलिए अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आयोडीन में इधर 2 आयोडीन है, इधर 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो हमने जो तरीका सीखा था कि स्प्लिट करने के बाद AOHC आओ हजूर चले, सो ए फॉर एटम, एटम बैलेंस हो गए। अब क्या बैलेंस करना है हमें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या हमने तरीका सिखाया है कि वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और इधर पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर 2 की कमी है, तो इधर में हमें एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल इधर में प्लस करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस करना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा रिडक्शन हाफ जो होगा, रिडक्शन हाफ जो होगा वो होगा MnO4, ठीक है, माइनस MnO2, ठीक है, +2H2O, ये हो गए। और ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ जो होगा वो होगा क्या, तो 2I- goes to I2, ठीक है। तो अब ये हो गया, हमने कर लिया किसको बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए चूंकि इधर कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 हाइड्रोजन आयन इधर प्लस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें 4 हाइड्रोजन MnO4- एक बार यहाँ लिख दूँ, MnO4- प्लस, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन आयन प्लस करना पड़ेगा, डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, 4 हाइड्रोजन प्लस आयन इधर हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है। अब चूंकि ये बेसिक मीडियम में ये हो रहा है, तो 4 हाइड्रोजन को इनकाउंटर करने के लिए OH- चाहिए, 4OH- चाहिए, 4OH- दोनों तरफ प्लस करना पड़ेगा। नाउ टू न्यूट्रलाइज दिस हाइड्रोजन वी हैव टू ऐड 4OH- आयन, सो रिडक्शन हाफ विल बी, व्हाट विल बी दैट, देन MnO4- +4H+ आयन +4OH- goes to MnO2 +2H2O +4OH- आयन, राइट। अब ये हो गया, एंड ऑक्सीडेशन हाफ जो है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं समझने के लिए, 2I goes to I2, ठीक है। अब हम क्या करें कि यहां पे देखिए कि OH और H ये मिल करके क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउ ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ को सिर्फ आर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा MnO4- +4H2O, ये H प्लस और OH माइनस मिलकर के H2O बना लेंगे, +MnO2 +2H2O +4OH-, एंड ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ यही है 2I से I2, ठीक है।
अब हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे 4H2O है, इधर 2H2O है, इधर आके माइनस हो जाए तो 2H2O रह जाएगा। सो अगेन द रिडक्शन हाफ विल बी MnO4 माइनस प्लस 2H2O विल गो टू MnO2 प्लस 4OH माइनस, और ये हो गया 2I माइनस से I2 तक। अब हमने क्या क्या बैलेंस कर लिया जी, हमने एटम भी बैलेंस कर लिया, हमने हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया और ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या? देखें ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन तो पहले ही बैलेंस किया था, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। इधर भी देखिए चार हाइड्रोजन है, इधर भी चार हाइड्रोजन है, सब कुछ बैलेंस हो गया। अब हमें क्या देखना है, चार्ज। सो वैलिडिटी ऑफ चार्ज, कि चार्ज दोनों तरफ सेम है कि नहीं। तो इधर में चार्ज क्या है, नाउ टू बैलेंस चार्जेज, टू बैलेंस चार्जेज इन बोथ हाफ इक्वेशन, बोथ हाफ इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है, इक्वेशंस ऐड द इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए पहले तरफ है MnO4 माइनस प्लस 2H2O, इधर में एक माइनस चार्ज है, और इधर में क्या है कि MnO2 प्लस 4OH माइनस, यहाँ पे 4 माइनस है चार्ज, और इधर में एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब इधर तीन इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो तीन माइनस चार्ज और हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन प्लस कर देना चाहिए, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया तो क्या हो गया कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 माइनस चार्ज यहाँ से और 1 माइनस चार्ज यहाँ से, 4 माइनस चार्ज हो गया, इधर भी 4 माइनस चार्ज हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। तो जो ऑक्सी रिडक्शन हाफ है वो हो गया बैलेंस। ऑक्सीडेशन हाफ जो है वो क्या होगा, उसमें इधर में है -1 चार्ज और 2 से मल्टीप्लाई होने से क्या हो गया, -2 चार्ज, और -2 चार्ज है, इधर आयोडीन में एक भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, तो इसलिए 2I-, और इधर में है क्या I2, तो इधर में 2 इलेक्ट्रॉन और हमें प्लस करना पड़ेगा ताकि इधर भी 2 माइनस चार्ज आ जाए, इधर भी 2 माइनस चार्ज आ जाए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर तो है नहीं, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए रिडक्शन हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऑक्सीडेशन हाफ को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो जाएंगे, 6 6 6 हो जाएंगे। सो आपको क्या करना चाहिए कि अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 2MnO4- प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8OH-, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6I, 6I-, और यहाँ पे मिलेगा 3 से 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जब दोनों इक्वेशन को, दोनों हाफ इक्वेशन को, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, ये रिडक्शन हाफ है ये ऑक्सीडेशन हाफ है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा बैलेंस इक्वेशन मिल जाना चाहिए। तो क्या आएगा दोनों को ऐड करने पे, 2MnO4- प्लस 4H2O प्लस 6 आयोडीन- गिव्स 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH-, और ये है हमारा बैलेंस इक्वेशन, दिस इज ए बैलेंस इक्वेशन, ये हुआ कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। और इस बैलेंस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये क्या है, नाउ दिस इज बैलेंस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बैलेंस इक्वेशन हो गया, इसको आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए सब कुछ बराबर, 2 मैग्नीज इधर है, 2 मैग्नीज इधर है, 8 हाइड्रोजन इधर है, 8 हाइड्रोजन इधर है, 6 आयोडीन इधर है, 6 आयोडीन इधर है, सब कुछ सेम है। ऑक्सीजन इधर 8 है, इधर में भी 2 2 4 8 और 4 8 और 4 12 12 ऑक्सीजन इधर है, 2 2 4 और 8 12 ऑक्सीजन इधर भी है, तो सब कुछ बैलेंस है, चार्ज भी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी, चार्ज भी, एटम भी, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, दिस इज कॉल्ड, दिस इज ए बैलेंस्ड बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन रिएक्शन।
ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या करना है, क्या क्या किया हमने, सबसे पहले एक बार समराइज कर लेते हैं। इसमें किया हमने कि सबसे पहले क्या करना था हमको कि इक्वेशन लिखना है, राइट द इक्वेशन, तो इक्वेशन लिख लिया। इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या करना है कि उसको देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर सबको सुटेबली देना है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने से क्या पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखने से ये पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ऑफकोर्स वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिसका घट रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उस इक्वेशन को पहले लिख लेंगे, हाफ में ब्रेक कर लेंगे, रिडक्शन हाफ को अलग से लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करना होता है कि एटम्स को जो है वो बैलेंस करना होता है, लेकिन ध्यान रहे एटम को बैलेंस करते वक्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है, उस एटम को बैलेंस करना है जिसका एक्चुअल में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम सुटेबल कांस्टेंट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देने के बाद वो एटम क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। ऑक्सीडेशन में अलग करना है, रिडक्शन में अलग करना है, दोनों में अलग अलग करना है। तो ऑक्सीडेशन भी बैलेंस हो जाएगा, रिडक्शन हाफ भी बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर है, और जितना ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करने के लिए उतने वाटर मॉलिक्यूल हम प्लस कर देंगे, ठीक है। सुटेबली जिधर ऑक्सीजन है उसकी दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर देंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल को प्लस कर दिया तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एच प्लस आयन जोड़ते हैं, ठीक है। तो एच प्लस आयन जोड़ देंगे, और H प्लस आयन जोड़ने के बाद हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो OH माइनस आयन जोड़ करके उस हाइड्रोजन प्लस आयन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो H प्लस आयन और OH आयन माइनस आयन मिल करके वाटर मोलिक्यूल बना देगा, और बाकी OH माइनस आयन दूसरी तरफ रह जाएगा। तो बेसिक सॉल्यूशन में ऐसा करना है, एसिडिक सॉल्यूशन में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अब क्या हो गया कि एटम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है, चार्ज। तो दोनों, तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, दोनों में चार्ज को बैलेंस करना है। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए जिधर चार्ज कम होगा उधर हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन को प्लस करके और चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। तो चार्ज को बैलेंस कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में इक्वल नहीं है, इक्वल है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो एक सुटेबल कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करके दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कर देते हैं, और फिर दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को प्लस कर देने के बाद इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी जो बच गया वही आपका बैलेंस इक्वेशन होता है, ठीक है। समझ आ रही बात, पक्का। तो इस तरीके से ये जो बैलेंसिंग का है दो पार्ट, जिसमें पहले पार्ट में हमने बताया था कि बैलेंसिंग बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और ये हाफ रिएक्शन मेथड, दोनों ही कंप्लीट हुआ। आप इस पे कुछ क्वेश्चंस करके खुद प्रैक्टिस करें, अगर नहीं समझ में आया तो अगली क्लास में लेके आए, हम बताएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरह से इस एक्सरसाइज का ये चैप्टर आज खत्म होता है, अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी, कुछ टाइट्रेशन मेथड की बात करेंगे, और उसमें रिडॉक्स में टाइट्रेशन का क्या यूज है और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये अगली क्लास में बात होगी। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।